सोलन भाजयुमो के उपाध्यक्ष पद से निष्कासित बिंद्रू ठाकुर ने जब मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी, बताया कि निष्कासन तर्कसंगत नहीं है, तो आनन-फानन में मदन ठाकुर ने उसका जवाब प्रेस वार्ता कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी पार्टी और सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बिंद्रू ठाकुर पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिंद्रू ठाकुर ने न केवल पार्टी के खिलाफ काम किया, बल्कि वे असामाजिक गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं, जिसकी वजह से मंडल ने मजबूरन उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि आज कुछ युवा रेस्ट हाउस में उपस्थित हुए थे, लेकिन वे युवा मोर्चा के सदस्य ही नहीं है। भीड़ दिखाने के चलते कुछ युवाओं को वहां एकत्र किया गया था। भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि बिंद्रू ठाकुर को मंडल द्वारा नियमों के अनुसार निष्कासित किया गया है। अगर भविष्य में कोई भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी के विरोध में कार्य करेगा और पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज उन्हें पता चला है कि कुछ युवा मोर्चा के लोग भाजपा नेता राजेश कश्यप के साथ रेस्ट हाउस में उपस्थित हुए थे और उन्होंने निष्कासन को गलत ठहराया है, इसलिए वे अनुशासन के तहत उनके खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल ने देवेंद्र ठाकुर उर्फ बिंद्रू, जिसका निष्कासन असामाजिक गतिविधियां और सरकार संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण किया गया है, हमने उनको 15 दिन पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था कि आप असामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित हैं, आप उसका जवाब दें। तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया और उसके बाद हमने उसका निष्कासन जो है वो कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट करती है कि जो भी सरकार के विरोध में असामाजिक गतिविधियों में जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता पाया जाएगा, अनुशासनहीनता के दायरे में जो आएगा, उसको हम किसी भी कीमत पर जो है वो नहीं बख्शेंगे। स्वच्छ छवि भारतीय जनता पार्टी की पहली प्राथमिकता है। संगठन ठीक रहे, सरकार ठीक रहे, उसमें ठीक व्यक्ति हो, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। और जो इस गतिविधियों में ऐसी गतिविधियों में सम्मिलित होगा, चाहे वो कितना भी प्रभावशाली क्यों ना होगा, हम उसको किसी भी कीमत पर जो है नहीं बख्शेंगे। और यदि किसी ने दोबारा ऐसी कोई हिम्मत की तो उस पर भी जो है मंडल कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसे आज भाजयुमो के जो युवक है वो इकट्ठा हुआ था, राजेश कश्यप जी यहाँ पर इकट्ठे हुए थे और काफी चर्चा हुई और निष्कासन को उन्होंने गलत बताया है और शर्मनाक बताया है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्या नोटिस वगैरह जारी करेंगे सभी को? देखिए, जो मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि वो आज यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन आप कह रहे हैं तो अगर यदि यहाँ पर ऐसी बात हुई है, एकत्रित हुए हैं, तो उनके विरुद्ध भी जो है हम कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। बिंद्रू ठाकुर पर हो रही कार्रवाई से भाजपा दो खेमों में बंटी नजर आ रही है, जिसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आरंभ हो चुकी है। एक पर कार्रवाई करते करते अब अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, जिसके लपेटे में सोलन भाजपा के पूर्व प्रत्याशी राजेश कश्यप भी आ चुके हैं। कुछ नेता इसे पार्टी हित में नहीं मान रहे हैं। वहीं सूत्रों से पता चला है कि जल्द ही सोलन भाजपा मंडल कुछ अन्य सदस्यों की लिस्ट बना चुका है, उन्हें भी जल्द नोटिस जारी किए जा सकते हैं।